हमने विंडो सीट लिया था गाइस, लेकिन विंडो ही नहीं ये यहाँ पे सीट। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आ गया हूँ चंडीगढ़ में सुखना लेक पे। ऑन द वे होटल ही जा रहा हूँ। रास्ते में हम लोग को दिख गया चंडीगढ़ का आईफिल टावर। ठीक है, वॉशरूम तो अच्छा है मतलब। हेलो दोस्तों, तो आज है 22nd और मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। तो अभी फिलहाल मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 बज रहे सुबह के। तो ये सेंटा क्रूज वाला रोड है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से मैं जाऊँगा चंडीगढ़, फिर रिटर्न आऊँगा 23rd को। अभी मैं फिलहाल आपको मैं जो चीज़ें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे दो एयरपोर्ट है। जैसे मुंबई में एक एयरपोर्ट है जो सेंटा क्रूज में है और दूसरा एयरपोर्ट जो है वो अंधेरी में है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो टर्मिनल 2 के रहते, टर्मिनल 2 यानी कि इंटरनेशनल, वो लोग आ जाते टर्मिनल 1 पे। मतलब मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था, तभी देखा था मैंने कि वो एक बंदा था जो टर्मिनल 2 का था, लेकिन वो आ गया था टर्मिनल 1 पे, क्योंकि उसको आइडिया, उसको लगा कि ये एक ही एयरपोर्ट है। तो गाइज, अगर आप लोग, मतलब बोलने का मतलब यही था कि अगर आप लोग ऐसा कुछ ट्रैवल करते तो ध्यान दो, यहाँ पे दो एयरपोर्ट है, कन्फ्यूज मत हो जाओ वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर टर्मिनल 2 लिखा है आपके टिकट पे तो आप इंटरनेशनल पे हो, अंधेरी में जाना है। अगर आपके पास टर्मिनल 1 लिखा है तो आपको सेंटा क्रूज में आना है। ओके चलो दोस्तों, तो मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। सो आप लोग देख सकते हो, अभी फिलहाल मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और चेक इन वगैरह कर लिया है। सो अगर कोई एयरपोर्ट आना चाहता है, कोई ट्रैवल कर रहा है और उसको अगर ऐसा कुछ क्वेरी है कि अंदर स्वैप टेस्ट वगैरह कुछ हो रहा है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। मतलब डायरेक्ट एंट्री है और ऐसा कुछ चेक भी नहीं कर रहे कि आपने वैक्सीन वगैरह लिया है कि नहीं। सो ठीक है गाइज, अभी तो फिलहाल कितने बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, मेरी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई है तो 8 बजे की है। तो फिलहाल तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट का। तो ये टर्मिनल 1 है। तो गाइज देख लो, पायलट लोग आ गए अभी। फिलहाल कुछ इस तरह सा व्यू है, चलो फिर आपको आगे जाके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग ने बोर्डिंग कर ली है और ये नरेंद्र है। तो हम लोग ने विंडो सीट लिया था गाइस, लेकिन विंडो ही नहीं ये यहाँ पे सीट। तो कभी भी लास्ट सीट मत लेना, नहीं तो विंडो नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये व्यू है और अभी फ्लाइट निकल रही है के लिए, ये देख लो। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, हम लोग चंडीगढ़ पहुंच के आप लोग को दिखाएंगे, मजे करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। तो चलो आप लोग को एयरपोर्ट का टूर करा दो। अभी मैं लैंड हो चुका हूँ, तो ये देखो चंडीगढ़। ये कुछ इस तरह सा एयरपोर्ट है। तो अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ पे होटल वगैरह पे जाएंगे या क्या करना है। चलो तब तक मैं आप लोगों को जर्नी कर लो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह सा एयरपोर्ट है। चलो फिर बाद में आप लोग को बता दो आगे। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं घूमने का। तो एक सुखना लेक है यहाँ पे। मैं कुछ बातें हैं जो चंडीगढ़ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक यूनियन टेरिटरी है और गाइस यहाँ का जो पॉपुलेशन है, कहा जाता है 10 से 12 लाख के बीच में है। और अगर उतनी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी कमी होगा। और मैं एक बात बता दूं कि चंडीगढ़ में अभी फिलहाल तो गाइस जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री पे चल रहा है, रात को यहाँ पे 7 डिग्री हो जाता है।
अगर आप लोग ऐसी कोई नॉर्थ जगह जाते हो इस मंथ में, जैसे कि दिसंबर में, जैन में, तो प्लीज़ गर्म कपड़े लेकर ज़रूर जाएं, वरना तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि ठंड लग सकती है आपको अगर आपको आदत नहीं होगी तो। दूसरी चीज़, अगर आपको मनाली शिमला जाना है तो यही बेस्ट रूट होगा, आपको यहीं पे आना होगा, यहाँ से आपको कार करनी पड़ेगी, बिकॉज मनाली और शिमला में कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं है, लेह में है डायरेक्ट फ्लाइट है, वहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से आपको कार ही करनी पड़ेगी। और रात को ड्राइव मत करना मनाली शिमला साइड, बिकॉज वो घाट एरिया है गाइज, और अंधेरे में ड्राइव मत करना, बहुत ही रिस्की होगा। ठीक है, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं रोड के रास्ते कैसे होगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, ज़्यादा क्राइम नहीं होते यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है रहने के लिए, आई फील कि बहुत ही सुकून जैसा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ के रास्ते, हर जगह झाड़ी झाड़े, तो देखते रहना। अभी फिलहाल आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ग्रीनरी है, और ये रोड देखिए काफ़ी बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों, और आप लोग को आगे दिखाएंगे कि अभी हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, फिलहाल हम लोग पहुंच गए थे। सो मेरे साथ अंकित है, हाय, चंडीगढ़ में फ्रेंड है। अंकित मास्क निकाल दे यार, हमने ऑडियंस को देखने दो। तो अंकित एडवोकेट भी है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अभी, और पीछे नरेंद्र, हाय। सो जाएंगे अभी लंच करेंगे, फिर आप लोग से मिलता हूँ, कहीं दिखते कहाँ जाना है। अंकित अब देखो ना, के ऊपर थोड़ा ये हम लोग लंच करने आए हैं यहाँ पे, तो ये रेस्टोरेंट है, ये फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, जीटी रोड। चलिए फिर लंच करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। तो अभी मैं मॉल में आ गया हूँ, तो ये यहाँ का एक लौता मॉल है चंडीगढ़ का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, कैसे मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्ले किया गया है, तो लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे, दिखा देता हूँ। बोल सकते हैं इसको मूविंग एनिमल, देख लो हाथी कैसे हिल रहा है। दोस्तों कुछ मैंने फुल एंगल निकाला है, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे दिख रहा है फुल एंगल में। बताओ रियल एलिफेंट है, एलिफेंट तो नहीं लग रहा, पता नहीं कौन सा क्या लग रहा है। ठीक है चलो फिर चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट कहाँ जाना है दिखता हूँ। ठीक है चलो गाइस बाय, देख लो कैसे हिल रहे, सब असली है बांधे हुए, बट असली है सर। ओके गाइस, तो थोड़ा आप लोग को चंडीगढ़ अभी मैं आ गया हूँ चंडीगढ़ में सुखना लेक पे, ये देख लो कुछ इस तरह सा लेक है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो, बोटिंग का कुछ 2 लोग का 250, 4 लोग का 500 है, मतलब 4%। कुछ इस तरह सा व्यू है, ठंड तो काफ़ी लग रही है अभी फ़िलहाल, आई थिंक 10 डिग्री पे चला गया टेम्परेचर। क्या हाल है, ठंड लग रही है कि नहीं? तो अभी चलो आप लोगों को दिखाता हूँ स्केच का, हाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना मस्त स्केच बना रहे एक भाई साहब मोबाइल से। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम फोटो बन रही है मोबाइल से, बहुत ही बढ़िया कलाकार। सो अगर दोस्तों पॉपुलेशन की बात करी जाए तो काफ़ी कम पॉपुलेशन है चंडीगढ़ में, मे बी आई थिंक 10 लैक्स। तो इससे ये होता है कि कम पॉपुलेशन होगा तो ट्रैफिक कम होगा, क्राइम रेट कम होगा, बहुत सारी चीज़ें। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या चीज़ है।
ये अंकल जी की फ्लूट। तो बहुत ही मधुर आवाज है, सपोर्ट करो अंकल जी को, अगर कोई आता है चंडीगढ़ में तो उनकी फ्लूट ले लीजिए। चलो आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं जैसे आपकी बोल रहा था कि यहाँ पे 5 बजे बोटिंग बंद हो जाता है, तो ये लोग ऑलरेडी जो पहले मतलब 4 बजे आए थे वो लोग कर रहे बोटिंग यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आपको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा नीचे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। कौन कौन आया है यहाँ पे सुखना लेक। सो गाइज, जैसे आप लोगों को बताया काफी अच्छी जगह है और काफी अच्छी सिटी है चंडीगढ़। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा व्यू। तब तक आगे देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कौन से होटल में रुका है। और होटल ऑन द वे होटल ही जा रहा हूँ। रास्ते में हम लोग को दिख गया चंडीगढ़ का आईफेल टावर, देख लो लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे। तो कौन कौन आया यहाँ पे, ठीक है चलो चलते हैं फिर। सो गाइज, ये टैंक यहाँ का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 2 मिनट घूमेना। तो दोस्तों ये टैंक है यहाँ का, देख लो। तो यहाँ से देख लो कितनी मस्त जगह, एकदम शांत। तो चलो चलते हैं, आपको दूसरा वो दिखाएंगे। ओके गाइस, सो फाइनली मैं होटल में आ गया हूँ। तो चलो आपको एक बार होटल रूम दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलो चलते मेरे रूम में। सो ये मेरा रूम है, सो लेट्स गो। ओके, सो कुछ इस तरह से बंद कर देता हूँ ज़रा। सो यहाँ पे वॉशरूम क्या देखोगे यार, ठीक है वॉशरूम तो अच्छा है, मतलब हम आपको बेड ये हो जाएगा, बेड ये शूज है, यहाँ पे सीटिंग। ओके सो चलो क्या बोलते हैं, क्या पर्दा हटा के देख लेते हैं। ये बाहर का है गाइस, बाहर कुछ इस तरह से। टीवी, अभी ये खाने पीने के लिए स्नैक्स है, वैसे तो ये सब मैं खाता नहीं। ये अपना फ्रिज, चलो आपको मिनी फ्रिज दिखा देता हूँ। मिनी फ्रिज में क्या है, लेट्स सी। ओके, तो सोडा है, कैडबरी है गाइस, और जूस है, फोर सीजन फ्रूट ड्रिंक, और रेड बुल भी है। सो इसमें क्या होता है गाइस, इसका जो रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। अगर आप यहाँ से पीते हो तो चेकआउट जब करते हो तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है। सो ये फंडा रहता है होटल का, ठीक है। तो मतलब जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप आते हो कभी समझो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो होटल में, और ये सब आप देखते हो खाने पीने का चीज़ ऐसा रखा है, और आप इसको खा लेते हो, तो जब आप चेकआउट करोगे तो वहाँ से कॉल जाता है नीचे रिसेप्शन पे कि कुछ खाया पिया है। अगर खाया पिया रहेगा गाइज आपने, तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट डबल होता है। जैसे अगर 5 रुपये की चीज़ रहेगी तो वो लोग 30 रुपये लेंगे, जस्ट मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। सो प्लीज़ बी अवेयर अगर आप ऐसा कुछ करते हो। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा रूम अच्छा लगा होगा। वैसे तो सिर्फ एक दिन के लिए रुकना है, कल निकलना है, कल तो मैं रिटर्न जा रहा हूँ मुंबई। सो देख लो आप लोग,
कुछ इस तरह से ये मेरा जैकेट लिया है मैंने, बिकॉज अगर आप लोग आ रहे हो गाइस चंडीगढ़ जैसी जगह में या फिर नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ साइड में ये मंथ में, तो मेक श्योर करो कि आप गर्म कपड़े ज़रूर लेके आओ। भले ही आप मुंबई से हो जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, भले ही आप कोई भी सिटी से हो तो आप सोचते हो यार यार इतना तो ठंड पड़ता नहीं है तो हम लोग सह लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा गाइस, आपको लेके जाना पड़ेगा गर्म कपड़े। वरना यहाँ पे आके मैं आपको यकीन, मैं हम लोग जस्ट मैं बाहर निकला था एसी बंद है फिर भी ठंड लग रही है, मतलब टेम्परेचर जो है 10 डिग्री पे और रात को बोल रहे हैं कि 60 डिग्री पे चला जाता है। तो वैसे तो मैंने गर्म कपड़े लाए, अभी मैं हीटर चला लूँगा, कोई बात नहीं। तो अभी गाइज मैं आराम करूँगा, अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल तो मैं आराम करने के मूड में हूँ दोस्तों। ओके, तो मैं अभी फिलहाल रिलैक्स करूँगा, फिर देखते हैं क्या प्लान है, फिर अभी खाना खाने के लिए देखता हूँ कहीं पे जाएंगे या तो फिर होटल पे ही मंगा लूँगा, यहीं से मंगा लूँगा, देखता हूँ क्या प्लान है। एक दोस्त को बुलाया हूँ, अगर वो आता है तो हम लोग देखेंगे, कहीं जाना होगा नहीं तो फिर यहीं पर खा लूँगा। तो गाइस चलता हूँ, थोड़ा चाय वगैरह पीता हूँ, चाय भी रखी है, कॉफ़ी भी रखी है, तो लेट्स सी क्या पी सकता हूँ मैं, फिर वो हिसाब से आप लोगों को और दिखाऊँगा चंडीगढ़ में और क्या क्या चीज़ें हैं, कल का भी दिन है। तो फिलहाल वेट फॉर द ब्लॉग, और गाइस प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको ऐसे में ब्लॉग्स ला के देता रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स गो, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, ये देख लीजिए ये बेड है। ओके दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 बज रहे, तो अभी मैं डिनर करने आया हूँ, तो चलो।